नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आर्यन गुप्ता। आइए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला, कुल संख्या 24 तक पहुंची। डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कंटेनमेंट जोन का किया दौरा, दिए जरूरी दिशा निर्देश। शहर में गर्मी का प्रकोप जारी, अभी 4 दिनों तक उमस और तापमान में वृद्धि संभव। पेट्रोल डीजल के मूल्यों में फिर वृद्धि की पृष्ठभूमि तैयार। और शहर के कलाकारों ने कोरोना पर तैयार की गीतों का एल्बम। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोगों को एक और झटका लगा है। व्यक्ति पुरुलिया का रहने वाला है, पर 19 मई से अपने परिजनों के यहाँ सीताराम डेरा में रह रहा था। शहर में एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, जो एक अधेड़ पुरुष है और मूलतः पुरुलिया का रहने वाला है। वो गत 19 मई को शहर आया था और सीताराम डेरा में अपने परिजनों के यहाँ रुका। टाटा मुख्य अस्पताल में वो गत 24 मई को भर्ती हुआ, जहाँ जाँच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उन्हें तत्काल कोविड सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वे कासीडी स्थित अपनी बेटी के यहाँ आए थे। प्रशासन उनके संपर्क में आने वाले सभी को ट्रेस करने और सैंपल लेने में जुटा है। फिलहाल इस केस के बाद जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। सीताराम डेरा में एक पॉजिटिव निकला है, उसको लेकर के हम लोग आज यहाँ पे कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं और उसके अगल बगल में हम लोग बफर जोन बनाए हैं। और अभी सर्वे चल रही है और सर्वे के बाद जो है उसमें मेडिकल टीम आएंगी और रैंडमली चेक भी होगा। तदुपरांत फिर कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने यहां कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि कोरोना संकट जल्द समाप्त होने वाला नहीं, हमें उसके साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस के समक्ष काफ़ी चुनौतियां हैं और अपराधियों पर नकेल कसने की योजना भी तैयार कर ली गई है। कोविड ऐसा नहीं है कि तुरंत ख़त्म होने वाला है, इसके साथ साथ हम लोग को अनुसंधान और बाकी जो पुलिस कार्य है इस पर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए आज हम SSP और CTSP मिलकर के सभी DSP लोगों से हम लोगों ने एक चर्चा किया है कि हम लोग बाकी चीज़ों पर कैसे ध्यान दें और बाकी चीज़ कैसे रास्ते पर लाया जाए। जो अनुसंधान के लिए लंबित कांड हैं, जिनमें लोगों को गिरफ्तारी करना बाकी है, तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट केसेज हैं उसमें कैसे अनुसंधान किया जाए, इन सब बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। चलिए अभी तो आप मान के चलिए तो लोकसभा चुनाव, बाद में विधानसभा चुनाव, उसके बाद कोरोना, पुलिस मल्टीवेरियस रोल में अभी काम कर। उधर लगातार बढ़ रहे कोरोना पीड़ितों के मामले पर DIG ने चिंता व्यक्त की, साथ ही उन्होंने कंटेनमेंट जोन का दौरा भी किया। इस दौरान SSP CTSP समेत जिले के सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। बारीडी क्रिश्चियन बस्ती, विद्यापति नगर, गोविंदपुर जनता मार्केट को प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बनाया है और पूरी तरह से सील करते हुए चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। DIG ने मंगलवार को पूरे क्षेत्र का घूम घूम कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बागुन हाथू में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का दौरा भी किया, साथ ही वरीय अधिकारियों से व्यवस्था को लेकर चर्चा भी की। इसके अलावा उन्होंने अक्षया किचन जाकर अपने हाथों से जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण भी किया। प्रशासन और हमारे पुलिस के द्वारा जो अरेंजमेंट किया गया है वो ठीक ठाक है कि नहीं है और क्या प्रॉब्लम है नहीं है, तो सभी जगह हम लोग पाए कि लोग भी संतुष्ट हैं। और सबसे अच्छा काम किया गया है ये कि बड़ा छोटा जोन बनाया गया है ताकि अननेसेसरी लोगों को परेशानी नहीं। शहर में इन दिनों गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान हैं। तापमान में भारी वृद्धि हुई है और उमस में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। फिलहाल शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज की गई है। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही सोमवार को नौतपा शुरू हो गया। ऐसा माना जाता है कि कम से कम 9 दिनों तक शहर गर्मी से तपेगा। शहर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज की गई है, जो अभी तक इस सीजन का सबसे गर्म अंकित किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी 3-4 दिन और राहत के आसार नहीं हैं।
उमस और गर्मी में वृद्धि होगी। मौसम साफ, तेज धूप और शुष्क रहेगा। तापमान में भी वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। नॉर्थ वेस्ट से गर्म हवाएं चल रही हैं, जो जिस वजह से ये हीट वेव का कंडीशन है, जो लगभग 28 तक रहेगा, 29 तारीख से ये कम हो जाएगा, 29 मई से कम हो जाएगा। और कल का जो अधिकतम तापमान है 41 डिग्री सेंटीग्रेड किया है, 29 तारीख को बारिश की संभावना है। थंडर और रेन का एक साउदर्ली विंड जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। कोरोना काल में राजस्व के लिए राज्य सरकार तेजी से हाथ पांव मार रही है। शराब की मूल्यों में 25% वृद्धि के बाद अब बहुत जल्द पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 4 रुपये महंगे हो सकते हैं, यानी कि हर तरफ से आम आदमी की जेब पर हमला। कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने शराब दुकानें खोल दी, साथ ही शराब के मूल्यों में भी 25-30% की वृद्धि कर दी, ताकि सरकार को कुछ राजस्व मिल सके। अब इधर आम जनता को अब एक और झटके के लिए तैयार रहना है। सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने वाली है, जिससे पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 4 रुपये प्रति लीटर महंगे हो सकते हैं। इस प्रस्ताव को वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने हरी झंडी दिखा दी है। साल में 350 करोड़ अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने हेतु पेट्रोल में 34% वैट बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर आम आदमी की जेब में ही सेंध मारी जा रही है। आपको बताते चले कि राज्य में अभी पेट्रोल और डीजल पर 22% वैट लागू है। अब 2-3% वैट बढ़ाने पर भी सहमति बन चुकी है। पेट्रोल का रेट 71.19 और डीजल का रेट है 65.99, 2.51 रुपये के आसपास वृद्धि हुआ। किसमें? पेट्रोल में, डीजल दोनों में। दोनों 2.51 रुपये? 2.51 रुपये, 2.52 रुपये। शहर के युवा कलाकारों ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक प्रेरणादायक एल्बम का निर्माण किया है, जिसकी विधिवत लॉन्चिंग पूर्व सीएम रघुवर दास ने की है। इस एल्बम का नाम है इंडिया बाजी मारेगा। इसमें शहर के कई कलाकारों ने अपनी आवाज़ दी है। इस एल्बम में पूर्व सीएम रघुवर दास, स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, क्रिकेटर सौरभ तिवारी, महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुणा मिश्रा के अलावा कई उद्यमी और उद्योगपतियों को भी दर्शाया गया है। बाजारों में मंदिर मस्जिद खुल जाएंगे, फिर से बच्चों के कांधों पे बस्ते झूमेंगे गाएंगे। जंग कोई भी हो, हार कभी ना हारेगा। टीम संघर्ष परिवार द्वारा लॉकडाउन की शुरुआत से ही गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। इसी क्रम में सुदूरवर्ती आसन बनी गांव में भोजन एवं राशन का वितरण किया गया। ये एक ऐसा गांव है जो शहर की चकाचौंध और आबादी से काफी दूर है। आमतौर पर यहां तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है। टीम ने ऐसे गाँवों का चयन किया है। आसन बनी गाँव में करीब 50 चिन्हित परिवारों के बीच राशन सामग्रियों का वितरण किया गया। जाने माने स्वतंत्रता सेनानी पूजनीय सुरेश चंद्र दे जी के पुण्य स्मृति में आज शहर से काफ़ी दूर चतरा आसनबनी गांव पहुंचा टीम संघर्ष परिवार। यहां 50 जरूरतमंद परिवारों के बीच राहत सामग्री के रूप में आटा, सोयाबीन, चना, 2 तरह का दाल, सत्तू वगैरह सब उपलब्ध करवाया गया। उधर मानगो के डाईगुट्टू क्षेत्र में मंगलवार को एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंगलवार की सुबह डाईगुट्टू स्थित जगदेव विहार कॉलोनी के पास एक व्यक्ति का शव देखा गया। शव टावर के नीचे पड़ा था। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। देखते ही देखते वहाँ काफ़ी भीड़ जुट गई। प्रथम दृष्टि में ये हत्या का मामला लग रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मगर मृतक की पहचान नहीं हो पाई। सुबह लगभग 8:30 बजे हम लोग को कंट्रोल रूम से फोन आया कि डायगुट्टू रोड नंबर 1 में एक मोबाइल नंबर दिया गया। मोबाइल नंबर से उनको सूचना मिली
कि इस रोड नंबर 1 दायकुटु में एक लवारिस लाश पड़ी हुई है, तो हम लोग आके यहाँ जब इसका छानबीन किए तो देख रहे कि मृत पाया गया है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन द्वारा कोरोना के निराकरण में अहम भूमिका निभाने वाले सीएम हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सम्मानित किया जाएगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एसोसिएशन द्वारा कोरोना काल में आम लोगों को जागरूक करने तथा जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। उधर दूसरी ओर कोल्हान मानवाधिकार संगठन द्वारा पुलिसकर्मियों को उनके योगदान के लिए माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस कोरोना काल में दिन रात अपनी सेवा प्रदान करने वाले पुलिसकर्मियों की जितनी तारीफ की जाए कम है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। डॉगी जंक्शन। वी नो द नीड ऑफ योर रॉयल मेट, नॉट ओनली डॉग्स बट कैट रैबिट्स ऑल पेट्स एंड बर्ड्स फूड्स एंड मेडिसिंस। Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट्स, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीजनेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पता दें। सेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड अपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cake, वेडिंग केक। क्रीम रोल, फ्रूट केक,
all types of biscuits, marriage anniversary cake, and school order specials. Please do visit with your friends and family. ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस कॉन्टैक्ट 9386054900 9162974538